केम शो पब्लिक कौन कहता है अच्छी चीज़ें फ़ोन पे नहीं बनती। मैं फिर से आ गया हूँ आपका दोस्त मन और आप देख रहे हैं MD स्क्वेयर। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं कुछ बूम बाम सा एक बढ़िया सा थंबनेल जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो भाई ये वाला थंबनेल आज हम बनाने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले बता दूँ हम लोग 500 सब्सक्राइबर के बहुत ही पास हैं, तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। और भाई बूम बाम बस सब्सक्राइब करो यार, क्यों वेट कर रहे हो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो गाइस। तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको हमारी एडिटिंग लाइक स्टफ़ पसंद है तो भाई आपको मैं बता देता हूँ कि आपके लिए ये चैनल बेस्ट है। तो भाई सब्सक्राइब करो और 500 सब्सक्राइबर पे गिव अवे अनाउंसमेंट है, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो मैं बता दूं हम लोगों ने पिक्सल लैब खोल लिया है। पिक्सल लैब में ना हमने टीम्स के जो बड़े बड़े टीम हैं जैसे मेगा स्टार हो गया जो हमने अभी निकाल रखी है, वैसे वैसे बड़ी बड़ी टीम्स के लोगोस निकाल लेना। अगर आपको जो भी ऐप मिल नहीं रहा सीधा जाओ डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दे रखी है, जल्दी से खोल लेना। जैसे कि हम लोगों ने हाइड्रा का निकाल लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमने जैसे ही लोगो एंटर किया उसमें जाके हम लोग 3D में जाएंगे। 3D ऑब्जेक्ट करके थोड़ी सी रोटेशन मार देंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के हिसाब से। गॉडल का लोगो लगा दिया। तो भाई हम लोग ना एक बेसिकली टूर्नामेंट के लिए थंबनेल बना रहे हैं। तो भाई मतलब टूर्नामेंट अगर आप कराते हो उसके लिए ऐसे थंबनेल्स बना सकते हो, और अगर लाइव भी जाते हो तो भी थंबनेल बना सकते हो, क्योंकि हम लोग एज सच इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बस ये लुक्स के लिए अच्छा लगेगा। अब हम लोग ने ना अपने एंड्रॉयड डिवाइस से PS टच या फिर PSCC बोल सकते हैं वो खोल दिया, और कॉर्नर पर ये वाली जो PNG है वो निकाल के हम लोगों ने पेस्ट कर दी है। अगर ये PNG आपको भी चाहिए तो भाई सिंपली आप फटाफट सब्सक्राइब कर दो। 500 पे आपको गिव अवे के साथ एक GFX पैक भी मिलेगा, तो फटाफट सब्सक्राइब करो और पार्ट लो गिव अवे में, जो मैंने इंस्टाग्राम पे तो डाल ही रखा है बट इसमें भी डाल लेना। तो अब लोगों ने हमने जो 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए थे उसको हम लोग ये प्लेयर के पीछे लगाते जाएंगे। देखो जैसे कि मैं फिट कर रहा हूँ अपने हिसाब से थोड़ा कट करके, और अगर आपने जो मेरा इंट्रो अभी थोड़ी देर पहले देखा उसको बनाना सीखना है तो फटाफट जाओ हमारी जो ऊपर आई बटन दिख रहा है इन्फॉर्मेशन का, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो रिकमेंड कर रहा होगा आपको ये वाली वीडियो, उसमें भी ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है 3D ऑब्जेक्ट वाला, तो आपको समझ आएगा वो भी अगर ये ध्यान से देख रहे हो तो। और आपको भी मेरे जैसा इंट्रो बनाने मिलेगा, बस जाओ ऊपर जो आई बटन है उस पर जाकर दबाओ और वो रिकमेंड करेगा आपको। अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, सारे जितने भी 4-5 लोगोज ले रखे हैं, फिनटॉक्स का है हमारे पास, गॉडल का है हमारे पास, ये हमारे पास है हमारा मेगास्टार्स, और भाई सारे लोगोज हैं उनको अच्छे से डुप्लीकेट करके आधी चीज़ें कट कर देनी है, मतलब आधा आधा लोगों। और हमें ना क्या करना है स्टरलाइज में जाके हम लोगों रिपल कर देना है, रिपल में बहुत थोड़ा सा रिपल करना है। रिपल सही बोल रहा हूँ ना मैं, सही बोल रहा हूँ, कोई ना भाई देख लेना वहाँ जाके कोने वाला दबा देना। और उसके बाद हमें ना डायरेक्शन ब्लर दे देनी है। अब डायरेक्शन ब्लर से अगर आप सही से देख रहे हो कैसी ब्लर हो गई है, तो हमें ना आधा आधा काट देना है इसका, मतलब पीछे की साइड ही ब्लर रखनी है कि वो बंदा भाग रहा है और पीछे लोगों छोड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब फाइट कुछ बढ़िया सा बूम बाम सा। अब बैकग्राउंड में हमें एक इमेज लगा दी है। अगर आपको ये सारी इमेजेस चाहिए फटाफट हमें सब्सक्राइब कर दो। अगला GFX पैक में जितने भी इमेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको मिलने वाली है। फिर हमें ग्रेडियंट में जाकर थोड़ा सा वाइटिश ग्रेडियंट डाल देना है, और हमें येल्लो कर देना है उसको, वाइट वाले ग्रेडियंट को लेके येल्लो कर देना है एकदम डार्क येल्लो। ये देखो लुक देखो भाई, बूम बाम वाला लुक डाल दिया है मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे, आप जैसे कि देख सकते हो। और जितने भी लोग हैं ना उसके पीछे, जितने भी लोग हैं सबके पीछे ना आप लोग थोड़ी सी लाइटनिंग के लिए ब्लैक कलर की थोड़ी सी डाल सकते हो शेडो टाइप, और उनका ओपेसिटी थोड़ी सी लो कर दो, थोड़ी सी कुछ 92 या 80 में पहुंचा दो, 87-85 के बीच में। अब आपको क्या करना है, सीधा जाना है ऐड इमेज करनी है, ऐड ग्रेडियंट करके ग्रेडियंट में जो ब्लैक वाला ग्रेडियंट होता है आपके साइड में जो विजनेंट, अब यार बोला नहीं जाता यार क्या ही दिक्कत है, जो भी होता है भाई लगा देना वो काला काला जो साइड में कर देता है वो लगा देना। और फिर आपको क्या करना है ना, अपने जो हमने लिया था उसको ओवरले कर देना है, जो हमने कैरेक्टर लिया था उसको ओवरले कर देना है। भाई ओवरले करते ही बूम बाम वाला इफेक्ट आ जाएगा जैसे कि आपने देखा। थोड़ा सा बैक करके अगर आपको तेज़ी में समझ नहीं आ रहा, तो आप जो हमें बढ़िया सी चीज़ें मिलती है YouTube की तरफ से, तो उसमें स्पीड स्लो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्मोक की PNG लगा दी है। भाई मैं फिर से बता देता हूँ, 500 सब्सक्राइबर कर दो गिव अवे की वीडियो आएगी, गिव अवे की वीडियो आएगी उसमें GFX पैक भी है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगी। तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, मैं बार बार कह रहा हूँ इस वजह से, कोई तो रीज़न होगा ना। तो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। अब हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, हम ऐड करेंगे एक बढ़िया सी बैकग्राउंड का ले, थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी हमें, थोड़े से इफेक्ट्स डालने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम पीछे डालेंगे ये वाला, इसको बोलते हैं टोपोग्राफिक मैप, ठीक है। तो ये वाला भी मिलेगा भाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो ये हमने बैकग्राउंड में लगा दिया और इसकी ओपेसिटी लो कर दिया, बैकग्राउंड के लिए सेटिंग करने वाले थे मैंने बोला था वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग।
अब हमें फिर से हमें हमारी लोकल इमेजेस पे जाना है, ऐड करना है, थोड़े से हम सेटिंग कर रहे हैं कि क्या क्या ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से बेसिक्स। और हम लोग थोड़ा टोपोग्राफिक मैप दूसरे स्टाइल का लेंगे, साइड में लगा देंगे, जो इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा देगा, और उसको हम लोग ओवरले करके उसको उसकी थोड़ी ओपेसिटी लो कर देंगे जिससे लुक्स अच्छे आए। तो भाई हमने दोनों ऐड कर दिए, लुक्स अच्छे ले आए हैं। अब हमारा एंड का काम करेंगे। एंड के काम में हमें बेसिकली क्या करनी होगी ना, हमें अपना सबसे पहले तो वो लगाना होगा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के लिए हमें एंड में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई अब हम लोग भाई जिसके लिए बना रहे थे, मतलब भाई लोगोज लगा देते, जितने भी बढ़िया बढ़िया टीम्स है उनका लोगो सेट कर देते, कॉर्नर कॉर्नर पे अपने हिसाब से सेटिंग कर देते। मैंने कर दिया यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर कर देते। ये देखो ऊपर कैसा लग रहा है, ये ऊपर ऐसा लग रहा है हेलमेट के ऊपर लगा हुआ ये लोगो, है ना, बढ़िया। तो ये टीम भाई भाई, तो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे अपनी वीडियो की तरफ। हम लोग सेटिंग कर देंगे अपने हिसाब से लोगो वोगो ऊपर की तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे ना, वो मेरे को लोगो पसंद नहीं आया तो मैंने हटा दिया। अब मैंने क्या किया, हाउ टू मेक दिस ऑन एंड्रॉयड लगा देते। मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हो कि आई एम जो भी नाम है आपका, लाइव मॉर्टल इज लाइव, ऐसा करो कुछ भी बना सकते हो। अब हमें एम्प्टी लेयर लेनी है सिलेक्ट पिक्सल करके, हमें उसकी वो बना लेनी, क्या बोलते हैं साइड में स्ट्रोक्स, ठीक है, फिल एंड स्ट्रोक में जाके स्ट्रोक बना लेना है, उसको कॉपी करके ऊपर नीचे सेम लगा देना है। देखो देख रहे हो, समझ आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसको थोड़ी सी उसकी ओपेसिटी लो कर देंगे बैकग्राउंड के। अब इसको डुप्लीकेट करेंगे ऊपर नीचे वाले को, और एक और लेयर ऐसे ही खींच देंगे, देखो नीचे की तरफ। ये देखो हम लोग सिलेक्ट किया, अब हम लोगों ने इसको ऊपर की तरफ कर दिया, देखा, डुप्लीकेट करके ऊपर की तरफ करना है, इसको भी डुप्लीकेट करके नीचे की तरफ कर देंगे। दैट्स ऑल भाई, बहुत आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं था। अच्छे से सेटिंग कर देना भाई जिससे एकदम परफेक्शन आए, और थोड़ी ओपेसिटी लो कर देना जिससे मेन फॉन्ट ना छुप जाए। तो भाई आगे हम धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात तो आ नहीं रही फिलहाल तक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई सिंपली से जाके हमारे कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना जो भी प्रॉब्लम है आपको इसके रिलेटेड। और अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी क्या करते हैं, हम लोग साइड में ओपेसिटी लो कर देते हैं जिससे मेन फॉन्ट अच्छे से चमके। और हमने ग्रेडियंट में जाके रेनबो ग्रेडियंट से ना जो बीच का मेक दिस वाला था उसको हम लोगों ने ग्रेडियंट डाल दिया, ठीक है। अब हमने एक छोटा सा स्क्वायर बनाया रेक्टेंगल टाइप, उसको हम लोगों ने लगा दिया, और अब उस रेक्टेंगल को ना हम स्ट्रेच करके बड़ा कर लेंगे। देखो ये देखो बढ़िया लग रहा है ना। अब इस रेक्टेंगल को चूज़ करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे हम लोग, डुप्लीकेट करेंगे ये रेक्टेंगल का, अलग बना देते हैं, रुक जाओ लेयर बना रहा हूँ, वेट अ मिनट। तो भाई हम लोगों ने नई लेयर बनाई, ठीक है, इसको स्ट्रेच कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे जहाँ तक हाउ टू मेक वाली जो स्ट्रोक वाली इमेज थी वहाँ तक, ठीक है। ये नीचे से भी सेम चीज़ करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे बैक में जाके थोड़ा सा ना ओपेसिटी लो कर देंगे। आइए ओपी बोलते हैं पब्लिक। तो भाई ऐसे ही आपको अपना थंबनेल बना लेना है, ये बूमबाम वाला थंबनेल बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमने सबसे पहले पिक्सल लैब, फिर हमने यूज़ किया हमारा पीएस टच, दो ऐप से बन गया है। जितनी भी ऐप्स की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही भाई, 500 सब्सक्राइबर करा दो।